अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका उसाब का दोस्त अली। आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रेस भाई। देखो मैं बाहू मोटर पर मौजूद हूं, तो इधर हमारे पास फ्रेश इंपोर्ट आई हुई है सुजुकी एवरी की। तो आ रहे हैं आपको ये गाड़ी दिखाते हैं और क्या डिमांड है वो भी बताते हैं। तो आप इसकी लुक देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस कंडीशन में है। 2018 का मॉडल है, 23 की इंपोर्ट है और 24 की आप इस गाड़ी को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो 26 लाख रुपया गाड़ी की डिमांड है, टोटल जेनुइन है। बाकी टेस्ट वगैरह की आप कंडीशन चेक कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही ब्रांड न्यू कंडीशन में है। अलॉय व्हील भी मौजूद हैं जो कि सिल्वर और ब्लैक के कम्बिनेशन के साथ हैं। बाकी ड्राइवर डोर पे टेपिंग लगी हुई है, ये भी आपको दिखाते हैं कि किस वजह से है। बाकी आप इसके डैशबोर्ड की कंडीशन चेक कर सकते हैं। LCD इंस्टॉल है, कप होल्डर आपको देखने को मिल जाएंगे और गाड़ी की जो माइलेज है वो तकरीबन 48,000 गाड़ी चली हुई है। बाकी बैक से आप इस गाड़ी का ओवरव्यू चेक कर सकते हैं। ट्रंक इसका ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप चेक करें। ये बहुत ही आउट क्लास कंडीशन में इसका रूम है, किसी किस्म की कोई फेड़ नहीं है, ना कोई रस्ट है, ना कोई स्क्रैच है, फ्रेश इंपोर्ट है और डिमांड 26 लाख रुपया की जा रही है, लेकिन तकरीबन 25 के राउंड बाउंड इसकी डील बन सकती है। तो अब हमारे पास टोयोटा करोला GL आई हुई है सेल होने के लिए। लाहौर की गाड़ी को रजिस्ट्रेशन है, बैक कैमरा इंस्टॉल है, गन मेटालिक कलर में है, ब्रांड न्यू कंडीशन में, टोटल जेनुइन है। बाकी टायर की आप कंडीशन चेक कर सकते हैं, जो कि तकरीबन 80-90% है। लाइव व्हील भी मौजूद है, बाकी ये आप चेक कर सकते हैं। डोर्स की कंडीशन, किसी किस्म की कोई सील वगैरह नहीं डिस्टर्ब है, ना कोई फेड है। या आपको अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके, नीचे से आपको ज़रा फेड देखने को मिलेगी। 58,000 गाड़ी चली हुई है, ऑटो ट्रांसमिशन के साथ है। स्टैंडर्ड साइज का कंट्रोल पैनल आपको देखने को मिल जाएगा। 2-टोन कलर में डैशबोर्ड है, लेदर में पुशीज हैं। बाकी आप कब्जे वगैरह चेक कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई रस नहीं है। 2019 का मॉडल है और डिमांड इस गाड़ी की जो इस वक्त इधर की जा रही है तकरीबन 45 लाख रुपये। तो अब हमारे पास ये एक होंडा सिटी आई हुई है ओल्ड मॉडल में, 1998 का मॉडल है और 9,25,000 रुपये इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। आपको जस्ट प्राइस का ही आइडिया देना होता है कि मार्केट में किस किस प्राइस के राउंड बाउंड जो होती हैं वो गाड़ियाँ आ रही हैं, ताकि जिन भाइयों ने दूर दराज के शहरों से आना होता है तो उन्हें अंदाज़ा हो सके कि उन्हें इस मार्केट में आना चाहिए या नहीं। तो अब हमारे पास सुजुकी लियाना आई हुई है, 2007 का मॉडल है, बहुत ही आउट क्लास कंडीशन में है। जिन्होंने ये छोटी गाड़ी की तरह मूव करना है तो ये इनके लिए बेहतर ऑप्शन है, लेकिन जस्ट इसका एक ही इशू है कि ज़रा पानी वाली गाड़ी से इस गाड़ी को आपको ज़रा महफूज रखना पड़ता है, क्योंकि इसके नीचे से पानी जो है वो अंदर आ जाता है। बाकी डैशबोर्ड आप चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही क्लासिक लुक देता है। स्टैंडर्ड साइज का अंडरलाइट पैनल इंस्टॉल है, उसके ऊपर ही आपको हेडलाइट का बटन देखने को मिल जाएगा। चारों विंडो से इसकी पावर है। 7 का मॉडल और 11 लाख रुपया डिमांड है। ब्लैक कलर में इसकी पुशीज हैं जो कि लेदर में है। बाकी आप कब्जे वगैरह चेक कर सकते हैं और टायर्स भी ब्रांड न्यू कंडीशन में है, अलॉय व्हील भी मौजूद है। तो अब हमारे पास कल्टस आई हुई है इधर एक सेल होने के लिए। ऑल पंजाब की गाड़ी को रजिस्ट्रेशन है और नंबर भी इसका जो था वो 3 डिजिटल पर मुशमिल है। ब्रांड न्यू टायर है, सिल्वर और ब्लैक कम्बिनेशन के साथ इसके अलॉय व्हील है। बाकी आप ये इंजन रूम की कंडीशन चेक कर लें, या फ्रंट की पट्टी चेक कर लें, ड्राइव बैटरी चेक कर लें, कुपे चेक कर लें। 6 का मॉडल और 7.5 लाख रुपया डिमांड है। आफ्टर मार्केट कुशिज चेंज करवाई गई हैं सीटों पर से। बाकी डैशबोर्ड की आप कंडीशन चेक कर सकते हैं। आपके साथ मोटर वालों का जो था नंबर है वो शेयर कर दिया जाएगा। तो अब हमारे पास ये एक खैबर आई हुई है ओल्ड मॉडल में, जापानी खैबर है, 1986 का मॉडल है। ऑल पंजाब की गाड़ी को रजिस्ट्रेशन है और नंबर भी इसका VIP आप कंसीडर कर सकते हैं, 7002। तो बाकी आप इंजन रूम की कंडीशन चेक करेंगे, कुप्पे हैं, रस्ट वगैरह आई हुई है, ज़ाहिर है मॉडल काफ़ी ओल्ड है। और 3,50,000 रुपया गाड़ी की डिमांड की जाती है। बाकी आप ये बॉडी की कंडीशन चेक करते हैं, स्क्रैचेस वगैरह हैं, टायर्स 80-90% अच्छी कंडीशन में, अलॉय व्हील भी मौजूद है। बाकी आप इस गाड़ी का ओवरव्यू चेक कर लें, 3.5 डिमांड है, आपको ज़ाहिर है इसमें मज़ीद कमी पेशी हो जाएगी। तो अब हमारे पास ये एक कल्टस आई हुई है सेल होने के लिए, 2006 का मॉडल है, लाहौर की रजिस्ट्रेशन है और 9 लाख रुपया गाड़ी की डिमांड इस वक्त इधर की जा रही है। बाकी आप इसकी फ्रंट से लुक वगैरह चेक कर सकते हैं, बम्पर पर स्क्रैचेस वगैरह हैं लेकिन बॉडी इसकी नीट है, अलॉय व्हील भी मौजूद है और टायर भी अच्छी कंडीशन में है। 6 का मॉडल और 9 लाख रुपया डिमांड है। 10 वीक आई हुई है,
ओल्ड मॉडल में 2005 मॉडल है और डिमांड जो उस गाड़ी की इधर की जा रही है तकरीबन 15 लाख रुपया है। सिंध का नंबर है, आपको पता है जो सिंध नंबर में हो वैसे भी उसकी तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपया कीमत कम हो जाती है और वैसे भी इस्लामाबाद को ज़्यादा पसंद किया जाता है बनिस्बत इस रजिस्ट्रेशन के। बाकी आप गाड़ी की लुक वगैरह चेक कर सकते हैं, गाड़ी पर डस्ट वगैरह आई हुई है तो आपने गाड़ी को रफ कंडीशन में नहीं समझना, लाइव भी मौजूद है, टायर्स भी अच्छी कंडीशन में है, ये नहीं है कि आपको परचेज करने के फौरन बाद चेंज करवाने पड़े। बाकी बैग से आप इस गाड़ी का ओवरव्यू चेक कर सकते हैं, बॉडी वैसे अच्छी कंडीशन में है। तो आ जाए आपको इंटीरियर बाद भी गाड़ी की जो सी लुक है वो चेक करवाते हैं। इंटीरियर इसका बहुत ही क्लासिक लुक देता है, स्टैंडर्ड साइज का एंड्रॉइड पैनल इंस्टॉल आउटर मार्केट किया गया है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, मल्टीमीडिया स्टेयरिंग है, चारों विंडोज इसकी पावर है, टू टन कलर में डैशबोर्ड है, सीटें जो सी इसकी लेदर में है, लेदर में आपको पता ज़रा लुक गाड़ी की अच्छी आ जाती है अगर फैब्रिक्स में हो तो बंदा ज़रा कंफर्टेबल फील करता है उसमें। तो 15 लाख रुपया डिमांड है जो कि फाइनल नहीं है, आपको ज़ाहिर है इसमें से मज़ीद कमी पेशी वो हो जाएगी। तो अब हमारे पास इधर और भी गाड़ियाँ आई हुई हैं वो भी आपको साथ साथ दिखाते चलते हैं और क्या क्या डिमांड है। तो एक हमारे पास इधर पाकिस्तानी गाड़ी आई हुई है, आपको पता है आजकल जो है मेन इशू पेट्रोल का चल रहा है तो उस वजह से लोगों की कुवते खरीद तो ख़त्म हुई हुई है, लेकिन जिनके पास है वो पेट्रोल को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो हमारे पास इधर आल्टो आई हुई है 2010 मॉडल है, बाकी आप बॉडी की कंडीशन चेक कर सकते हैं, ज़ाहिर है ज़रा 10 मॉडल है तो कंडीशन भी ज़रा उस हिसाब से ही है, स्क्रैचेस माइनर से हैं। 9,75,000 रुपया गाड़ी किस वक्त इधर डिमांड की जा रही है, अलॉय व्हील नहीं ब्लू सिंपल व्हील कैप है और टायर भी तकरीबन 80-90% अच्छी कंडीशन में, ये आप इनके टायर की कंडीशन चेक कर सकते हैं। और लाहौर की गाड़ी को रजिस्ट्रेशन है, VXR है। बाकी आ रहे हैं आपको इंटीरियर वाले भी गाड़ी की जो सी लुक है वो चेक करवाते चलते हैं, या आप इसकी पुशीज वगैरह चेक कर सकते हैं, डैशबोर्ड चेक कर लें। जापानी गाड़ी आई हुई है, बहुत ही खूबसूरत है, होंडा लाइफ है, 2012 का मॉडल है, 16 की इंपोर्ट और 16 की रजिस्ट्रेशन है सियालकोट की, और नंबर भी इसका 3 डिजिट्स पर मुश्तमिल है। बाकी टायर की आप कंडीशन चेक करें, अलॉय व्हील के साथ हैं, आपको पता जिस हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल के रेट जा रहे हैं तो जापानी गाड़ियाँ सबसे बेस्ट हैं, फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ ये हमारी। बाकी आप डैशबोर्ड की कंडीशन चेक कर सकते हैं, स्टैंडर्ड साइज एंड्रॉइड पैनल इंस्टॉल है, ऑटो ट्रांसमिशन के साथ है, चारों विंडोज इसकी पावर है, पावर स्टेयरिंग और टू टोन कलर में इसकी कुशीज हैं जो कि लेदर में है। बाकी आप इसके ये कब्जे वगैरह चेक कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई रस्ट नहीं है ना कोई फेड है, जस्ट आपको ये स्क्रैचेस वगैरह इधर देखने को मिलेंगे। ज़ाहिर है 12 का मॉडल है तो फिर ये कंडीशन इतनी रफ होनी तो बनती है। और 19,50,000 रुपया गाड़ी की डिमांड की जा रही है, बाकी बम्पर पर स्क्रैचेस वगैरह हैं लेकिन गाड़ी अच्छी कंडीशन में है। तो अब हमारे पास इधर ये एक वैगनर आई हुई है, अगर मेरा कैमरामैन आपको ये बोनट पर दिखा सके, ये निशानात लाहौर की गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है, 2016 का मॉडल है। बाकी आपकी बॉडी की कंडीशन चेक कर सकते हैं, डैशबोर्ड नीट एंड क्लीन है, स्टैंडर्ड साइज का एंड्रॉइड पैनल इंस्टॉल है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, फैब्रिक्स में इसकी सीट्स हैं, आपको पता है फैब्रिक्स में बंदा ज़रा कंफर्टेबल फील करता है, और लाहौर की रजिस्ट्रेशन है, ब्रांड न्यू टायर है, अलॉय व्हील नहीं ब्लू सिंपल व्हील कैप है, और 17,500 इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। तो आ जाए इधर और भी जो गाड़ियाँ हैं वो भी आपको साथ साथ दिखाते चलते हैं।